राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु शिक्षक एवं छात्र श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम शिक्षण कुछ नए आयाम। शिक्षक वे जो बचपन से बचपन की तरह मिले, हर एक पौध संवारे ऐसे सदियों फूल खिले। शिक्षक वे जो बचपन से बचपन की तरह मिले, हर एक पौध संवारे ऐसे सदियों फूल खिले, सदियों फूल खिले। अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं, वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें। चलो अपना अपना पार्ट निकालो जी, तुम्हें भी जी, कह रहा हूँ। चलो शाबाश, हाँ गोपाल इसको बोलो, हाँ इधर मेरी तरफ देखिए, हाँ शाबाश। अब मैं जो बोलूँगा मेरे पीछे पीछे दोहराना, जी गुरुजी, समझ गए जी। अच्छा शुरू करते हैं। हम जानते हैं, हम जानते हैं, पानी का प्रयोग घरों में, पानी का प्रयोग घरों में, पीने पीने, नहाने नहाने, खाना पकाने खाना पकाने, कपड़े धोने कपड़े धोने, आदि में होता है, आदि में होता है। गुरुजी हाँ? पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है? तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो। जी गोपाल जी, बेटा आगे तुम पढ़ाओ। जी गुरुजी, पानी पानी, कुओं कुओं, नदियों नदियों, तालाबों तालाबों, एवं झरनों से मिलता है, एवं झरनों से मिलता है। गुरुजी झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते। फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश। गंदे पानी के प्रयोग से, गंदे पानी के प्रयोग से, अनेक बीमारियां हो जाती हैं, अनेक बीमारियां हो जाती हैं। गुरुजी हाँ बोलो, पानी गंदा कैसे हो जाता है? बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो जी, चलो जी, ठीक से बैठो, पीछे पीछे हो जाओ। आइए अब हम एक और कक्षा में चलें। नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक जी। अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? हमारे गांव में दो कुएं हैं, हाँ। एक तालाब भी है। अच्छा मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक। मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है। शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि। मास्टर जी हाँ हाँ बोलो। क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक जी मास्टर। लिखो फिर, सब लिखो। सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा
और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है। दीदी। बोलो मालती। दीदी, मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते। तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो। हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी। ठीक। फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी। हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी। जी। इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा। वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश। हाँ। अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थीं। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते बच्चों। नमस्ते दीदी। ये, अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल? दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है। अच्छा दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं। सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा। गुलाब। गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ? दीदी मैं बताऊँ? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ। गुलाब। गेंदा। हाँ। चमेली। और हाँ, चमेली। चमेली। सूरजमुखी। सूरजमुखी, शाबाश। तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ तेंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं? देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ। जी। मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं। जी जी। आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र। स्कूल के आसपास का क्षेत्र? जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं। बहुत अच्छे। इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अरे इंदु जी,
आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को। और मैंने भी तो सीखा इनसे। जी आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं। हल्के नीले रंग के? हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया। अच्छा, मैं जिस इलाके की हूँ ना वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं। काहे की लिस्ट? कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं। इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का। देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है। तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण। उज्ज्वल जीवन के शोध हैं ये, अज्ञानी नहीं अबोध हैं ये। उज्ज्वल जीवन के शोध हैं ये, अज्ञानी नहीं अबोध हैं ये। ये सब बच्चे मतिमान स्वतः गतिमान, इन्हें अपनाए शिक्षक कर्तव्य निभाए, शिक्षक कर्तव्य निभाए, शिक्षक कर्तव्य निभाए, शिक्षक कर्तव्य निभाए। हर बालक में शिक्षक यों रुचि दिखलावे, उनकी हर बात सुने समझे सुलझावे। हर बालक में शिक्षक यों रुचि दिखलावे, उनकी हर बात सुने समझे सुलझावे। ये है प्रतिभा की खान, इन्हें दे मान सुपथ पर लाए, इनमें विश्वास जगाए, इनमें विश्वास जगाए, शिक्षक कर्तव्य निभाए, शिक्षक कर्तव्य निभाए। शिक्षण कुछ नए आयाम। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, विषय विशेषज्ञ एवं परियोजना मार्गदर्शन प्रोफेसर भगत राम गोयल, आलेख मधु बी जोशी, भाग लेने वाले कलाकार नीरज शर्मा, कीमती आनंद और वीना होरा, बाल कलाकार आशीष, आरती तथा केंद्रीय विद्यालय NCERT के बच्चे, संगीतकार दिनेश प्रभाकर, गीतकार सत्येश पाठक तथा गायक कलाकार भूपेंद्र और मनोहर शाह ने, ध्वन्यांकन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग P. संतोष कुमार तथा प्रस्तुतिकरण रमेश रानी शर्मा।